जम्मू कश्मीर विच सिख भाईचारे वालों बण दी नुमाइंदगी देने दी मंग जोर फड़न लगी है। सिख जथेबंदियां स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू जिला प्रबंधक कमेटी वालों 6 असैंबली सीटां देने दी मंग कीती गई है। नाल ही राजनीतिक राखवां करन लई मनोरिटी कमीशन लागू करन दी भी मंग कीती गई है तां जो जम्मू कश्मीर विच सिख घट गिणती भाईचारे नूं बण दी नुमाइंदगी मिल सके। नैशनल कॉन्फ्रेंस आगू TS वजीर दा कहना है कि जदों तों नवीं हदबंदी कमीशन कायम कीता गया है तां उस वेले तों ही साडी इह मंग है कि सिख भाईचारे नूं बण दी सियासी नुमाइंदगी दी जानी चाहीदी है। सिख भाईचारा 1947 दी वंड वेले पाकिस्तान तों उजड़ के इत्थे नौशहरा, उधमपुर, कठुआ, राजौरी, पुंछ जिलियां च आण वसिया, पर इत्थे सानू किसी भी तरह दी सियासी नुमाइंदगी नहीं मिली। साडी कोई सियासी आवाज नहीं है। साडे कोल 1987 तों गांधी नगर असैंबली तों इक विधायक सी। उस तों बाद सिख भाईचारे दी नुमाइंदगी करदा कोई विधायक नहीं। असीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते नवीं हदबंदी कमीशन नूं गुजारिश करदे हां कि साडी मंग उपर गौर फरमाउण अते सानू न्याय दित्ता जावे। सेवा बस्ता, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी आप लोगों का पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से वेलकम करता हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने JNKUT में शुरू किया है उसमें हमारी कुछ चिंता है। पूरी सिख कम्युनिटी इस वक्त फिक्रमंद है कि क्या यह डिलिमिटेशन का प्रोसेस कैसे चलेगा, कैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको डिवाइड किया जाएगा। पहले ही जो हम 1947 के रिफ्यूजी पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान में वहाँ की आज तक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि हम जो POK पाकिस्तान के कब्ज़े में है वो भी लेंगे, और हमारी 24 सीटें वहाँ आज तक रिजर्व रखी गई हैं। महाराजा के टाइम, शक्सी राज के टाइम एक कमीशन बैठा था जिसमें लद्दाख और JNK में उस वक्त भी 3 सीटें रिजर्व रखी गई थी। अब हमारी पिछले, मैं ये कहूँगा कि 18 साल से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं आया हमारा, और ना ही हमारा लास्ट हमारा हरसज्जन सिंह बाली गांधीनगर से जीता था MLA, उसके बाद हमारा कोई MLA असेंबली में नहीं गया, और असेंबली में ना जाने की वजह से हमारी सियासी सही नहीं रही। हमारे हर सफेर में हमसे डिस्क्रिमिनेशन होती है, और हमारा असेंबली में बोलने वाला कोई भी नहीं होता है। इसलिए हम मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये मनाटी कम्युनिटी जो है जम्मू कश्मीर की, मनाटी की भी जो कमेटी, मनाटी कम्युनिटी जो है, क्या ये मोदी जी के उसके विकास और सबके साथ के बीच में नहीं आती है? तो मैं मोदी जी से और जो कमीशन बना है उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी कम से कम 5-6 सीटें रिजर्व की जाएं, जिसकी जो के रिफ्यूजी वहाँ से आए हैं, ताकि उन रिफ्यूजियों को अपनी रिप्रेजेंटेशन मिल सके, उनकी जो वॉइस है वो असेंबली में कोई उठाने वाला हो। और मनाटी कमीशन जो आज, पहले हम बहुत देर से, कई सालों से हम इसकी डिमांड कर रहे हैं, अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर UT है तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब कमीशन बने ताकि मनाटीज जो हैं वो अगर उनके साथ कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो तो वो अपनी बात उस फोरम में
कर सके। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि जब हम 1947 में वहाँ हमने हमारे 40,000 औरतें बच्चे और मर्द मरे, हम कबायलियों का जो है वो मुकाबला करते रहे जब तक महाराजा की फौज और पटियाला की फौज महाराजा पटियाला की फौज आती, हमने ही कबायलियों को रोका और अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारी बहनों माओं उन्होंने दरियाओं में छलांगें लगाई, कुएं में छलांगें लगाई। तो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने के बावजूद भी हमसे क्यों डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है? तो मैं हम रिप्रेजेंटेशन भी देंगे उनको और मैं यहाँ से आपके माध्यम से मोदी जी को ये पूरी कम्युनिटी की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा हक जो है वो हक हमें मिले तभी हम, क्योंकि टीएस वजीर ने इस दे नाल ही जम्मू कश्मीर विच मिनोरिटी कमीशन की मांग भी की है। उन्होंने कहना है कि केंद्र वालों घट गिणती कमीशन उन्होंने संविधानिक हकों तो क्यों महरूम रखा जा रहा है, जबकि 2011 की मरदमशुमारी मुताबक जम्मू कश्मीर की कुल आबादी का मुस्लिम 63% के करीब हैं, हिंदू 28% के करीब हैं, ईसाई 0.28% के करीब हैं, सिख 0.25% के करीब हैं, पर सिख भाईचारे उन्होंने वसों के हिसाब से बनती नुमाइंदगी नहीं दी गई। साडे अपने नुमाइंदे होने चाहिए हैं जो सदन में साडी आवाज बुलंद कर सकन, जो साडी केंद्र सरकार तो यह मंग है कि सिख भाईचारे जम्मू कश्मीर में सियासी तौर पर बनती नुमाइंदगी दिंदिया करीब 6 सीटा असैम्बली हल्के दित्तियां जाण अते मिनोरिटी कमीशन की कायमी यकीनी बनाया जाए। साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।